जहां लोग ईमानदारी को दांत देके उसको प्रणाम करें। आज मैं सुबह एक व्यक्ति से बात कर रहा था 8 बजे। उन्होंने कहा कि साहब चुनाव खत्म हो गया विधानसभा में, हमारे गांव में स्थानीय नेता ने कहा था हमें पुल बना देंगे, वो पुल नहीं बना, अभी तक आप बना दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि ईमानदारी से बताइए आपने नेताजी को वोट दिया? उन्होंने कहा हाँ जी हमने दिया। मैंने कहा पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया, अब किया 130 करोड़ रुपए अभी भी करना भुगतान का बकाया है 130 करोड़ रुपए। पहेली एक गरीब क्षेत्र है, यहाँ लोग बहुत समृद्ध अमीर नहीं, लोग खेती करते हैं, उस खेती से पैसा प्राप्त करते हैं, उससे अपने परिवार की रक्षा उदय करते हैं। अगर 130 करोड़ रुपए बकाया करने का भुगतान का भी है तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? मैं बरेली के जिला अधिकारी से कल बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे लोग चीनी मिल जाए और वहां के जीएम से एक बार कृपया बात करें, और अगर उन्होंने समय सीमा बंद तरीके से बनाया समझाया कि हम इसका एसओ और सीओ बहुत गंभीर भ्रष्टाचार और अत्याचार के आरोप आप लोगों को जानकारी है सीसी, और आपको ये भी जानकारी है कि हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई उसके बाद उन लोगों पे कार्रवाई भी हुई। मैंने आपको नंबर क्यों दिया? आप मेरे आंख बनी, आप मेरे हाथ और बाजू बनी और आप मेरे परिवार बने। मुझे बताइए कि क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए और वो क्या रहा है। मत जब तक मैं हूं यहाँ पे उन मां का नाल आपका कुछ बात माता नहीं कर सकता। मैं दुआएं कमाने के लिए राजनीति में आया हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया भाई। मैं दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं क्या मीडिया के कुछ लोग हैं यहाँ पे और कुछ प्रिंट मीडिया के भी लोग हैं पत्रकार बनो आप लोग हैं ठीक, कुछ प्रिंट मीडिया के लोग हैं ठीक। मैं चाहता हूं ये मुद्दा हम लोग उठाए, राजनीति से इंसान परेशान हो उस राजनीति का कोई फायदा नहीं हो दिखता है। इसलिए मैं ये कहूंगा और मेरा संदेश सारे अधिकारियों तक जाए कि मेरी अब तीसरी आठ भी सारे अधिकारियों के ऊपर है, और अगर कोई अन्याय करेगा, किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगेंगे, किसी को दबाने के लिए तंग करने के लिए झूठे केस लगाए जाएंगे, तो वरुण गांधी फिर उन अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आपको पता है कि जब मैं आवाज उठाता हूं उस आवाज की पहुंच बहुत लंबी होती है। अभी बरेली में बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें थी, बहुत गंभीर शिकायतें। अब देखिए जैसे राजनीति में अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं, समाज में है, वैसे ही प्रशासन में अच्छे और बुरे लोग दोनों शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के इस ढांचे को बनाने के लिए अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया,
कुछ पुलिस अफसर हैं जो अपने ऊपर रिस्क उठा के दिक्कत झेल के गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन ठीक उसी के तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्ट हैं और जो भक्षक हैं। मेरा निवेदन आप सब लोगों से एक ही, आप सब लोग कई कई गांव से आए हैं, मैं चाहता हूं मेरा ये संदेश बहुत बहुत गंभीरता से आप लोग सुने। क्या आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप सब लोग एक क्रांतिकारी बनके बहेड़ी में न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें आप लोग मेरी मदद करें। कैसे कैसे कैसे? यहां कितने लोग हैं जिनके पास मेरा फोन नंबर नहीं है? आप खड़ा कर जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, लगभग आधे। अभी मैं अपना नंबर बोलूंगा मंच से, मैं चाहता हूँ सब लोग अपना फोन निकालें और मेरा एक ही नंबर है उसको लिख लें। क्यों मैं दे रहा हूँ एक मैं अभी बताऊँ क्या आप लोग तैयार हैं? 98 99 755 006, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 98 99 755 006। मैं नंबर इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कोई भी इंसान यहां पर हो उसको लगे कि हमारे तकलीफ में कोई ना कोई हमारा काम आएगा। दिक्कत क्या है, नेक विचार हमारे समाज में काफी नहीं है क्योंकि वो कभी कभी नेक विचार का केवल आचार बन जाता है। जब आदमी अकेला बढ़ जाता है थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, अधिकारी के सामने, पुलिस के सामने, तो फिर आदमी को लगता है कि मैं क्यों आवाज उठाऊं, मैं क्यों क्रांतिकारी बनूं, मेरे पीछे कौन खड़ा है, विपरीत परिस्थितियों में मेरे को बचाएंगे। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जानते हो कि बहादुरी में तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, आप जानते हो कि मैं अपनी बात हर तरीके से रखने में सक्षम और साहसी हूं, आप ये भी जानते हो कि मैं और नेताओं की तरह नहीं हूं, मैं 100% ईमानदार हूं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? इसलिए इस बात को याद रखना, मैं राजनीति में नाम कमाने नहीं आया, नाम तो मेरे पास है जब से मैं पैदा हुआ,